हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिस स्टूडेंट का दरोगा का फिजिकल होगा, वो फिजिकल का तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं तो बहुत अनलकी हूँ। मैं आज दरोगा के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को मैं पल पल का अपडेट देती हूँ, है ना। मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ, मेरे एक्टिविटी से आप लोग मुझे अच्छे से पहचान गए होंगे कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। एक लड़का ने कहा कि तुम चुलबुली हो और तुम्हारी फ्रेंड शांत एंड पतिव्रता है, तुम उन्हें कभी भी छोड़ दोगी, तो मेरे एक्टिविटी से मत जाइए। रिश्ते कैसे निभाते हैं वो मेरे घर वाले से पूछ सकते हैं और मेरे एक क्लोज फ्रेंड है उससे भी पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चुलबुली है वो रिश्ते नहीं निभाते हैं, बट छोड़िए। खैर, मैं दरोगा के रिजल्ट के बारे में, कुछ लोगों को लगता है, कुछ जो ग्रेट मैन हैं, अच्छे अच्छे हैं, जो हमारे सर लोग हैं, उन्हें लगता है रिजल्ट नहीं हुआ है। तो देखिए क्या हुआ ना, मैं लाइफ में पहली बार इतना बीमार हुई थी। ऐसे मैं हमेशा बीमार रहती थी। मेरे पापा जब भी स्कूल से आते थे, मेरे पापा मिडिल स्कूल के टीचर है, जब भी आते थे मेरे पापा तो मैं बीमार मिलती थी, तो पापा बाइक लगाने के साथ ही चले जाते थे मेरी दवाई लाने के लिए। मैं तुरंत में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी, लेकिन 24 साल की उम्र में मैं पहली बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई फिजिकली। एक होता है ना, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरे 20 होनी चाहिए तो 25 हो गई थी, और मेरी जो ब्लडिंग वाला प्रॉब्लम था, मैं भूल ही गई कि मेरा दरोगा में रिजल्ट हुआ। आप लोग बोलोगे ना कि जिस लड़की का दरोगा में रिजल्ट होगा वो भूल कैसे जाएगी, वो किसी भी हालत में ले लेगी। तो देखो, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पापा, उनकी पत्नी जब बीमार हुए थे तो उनके पापा ये भूल गए कि नौकरी भी मैं करता हूँ। क्योंकि अगर इंसान है, अगर आप जिंदा हो, कहते हैं ना कि मरना आसान है, मरने में व्यक्ति को 60 साल लग जाती है, 80 साल लग जाती है, 100 भी पार हो जाता है। सारे दुख, सारे कष्ट, सारे सुख इस जीवन में काट के जाना होता है। अच्छा, किसी को पता है कि ऊपर स्वर्ग है या नरक है? सब अपने मन से मान के बैठे हैं, अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। हाँ, तो मेरा रिजल्ट हुआ, और मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ तो मेरे मोबाइल फ़ोन भर जाती है, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो मुझे लगा ना कि मैं नौकरी करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मेरी पप्पी का नौकरी हो जाएगा, जब मेरी छोटी बहन का नौकरी हो जाएगी, तो मैं नौकरी छोड़ दूँगी 6 महीना के लिए, साल भर के लिए। एक होता है, जैसे पुलिस में है ऐसा रूल कि आप ओवर स्टेक में जा सकते हो, आप नो वर्क नो पे लगा सकते हो, थोड़ा प्रॉब्लम होती है लेकिन आप जा सकते हो। देखो, आप नौकरी अपने मन से आए हो करने के लिए ना, तो आप हम एक भूल के अंदर रहना चाहते हैं। जैसे बाप है, बाप के अंदर एक परिवार होता है, उनके अंदर छोटे भाई होते हैं, बहन होते हैं, फिर वाइफ होते हैं, फिर वाइफ बच्चे होते हैं, तो परिवार जैसे एक बना हुआ है ना कतार से, उसी तरह हमारे ऑफिस भी बना हुआ है, ठीक है। बड़े पदाधिकारी होते हैं, फिर हम लोग छोटे छोटे एम्प्लॉयर होते हैं। तो मतलब बहुत लोग ये जज कर रहे हैं इनका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे 2-4 क्लोज फ्रेंड है, मेरे जो फैमिली है, फैमिली के अलावा सब मुझे जज ही कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे हालात को करीब से देखे हैं ना, वही सोच सकते हैं कि नहीं यार, तुम्हारा रहना जीवन में जरूरी है, न कि तुम्हारा रिजल्ट होना। तो मैंने सोचा, और दरोगा पुलिस में कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर में ये डबल स्टार लगी रहती है। जब मैं इलेक्शन का ड्यूटी कर रही थी तो जैसे हमारा हाल था, सिचुएशन थी, वैसे उनका भी था। तो मुझे नौकरी से मेरी पहचान मिली है। इस नौकरी को मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं दिल से इनका रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं करती रहूँगी। कुछ भी हो जाए, मैं इतनी बीमार थी लेकिन मैंने नौकरी पे आंस नहीं आने दी, क्योंकि मेरे नौकरी से मेरे परिवार चलता है। आज जो मैं फैसिलिटी में हूँ, आज मैं इसी नौकरी से हूँ। तो मैं इस नौकरी को ये नहीं बोलती कि ये नौकरी अच्छी नहीं है, बस नौकरी में जो रूल है ना, उस रूल को जो निभाएगा उसके लिए अच्छा है। तो मुझे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ये भूत चढ़ा हुआ है, और सोशल मीडिया में मेरा अच्छा खासा पकड़ भी हो गया है। तो जैसे ही मेरी छोटी बहन का जॉब लगेगा, तो मैं 6 महीना के लिए अपनी नौकरी से लेफ्ट लेकर के
सोशल मीडिया का एक अच्छा वर्क करूँगी और मुझे सोशल मीडिया पे ये जो है जोश टॉक से भी मैसेज आया कि आपको आना है। तो देखिए मैं यही कहूँगी इस कलयुग के युग में कि जब सीता माँ को भी परीक्षा देना पड़ा था अपने सत्यता का शुद्धता का, तो मैं तो प्रियांशी हूँ, वल्ली प्रिया हूँ। तो ये बात है जो मेरे जो मुझे करीब से देखे ना, मैं 2 महीना तक कंटिन्यू बीमार रही, कंटिन्यू 2 महीना, और 2 महीना मैंने ना तो वीडियो बनाना छोड़ा, नहीं तो खुद को मतलब आगे लेके चली। जैसे एक अरुणिमा सिन्हा थी ना जो एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, अपना पैर ट्रेन से जब गिरी तो अपना पैर खुद हाथ से काट के गई थी। तो मेरा वो हालत नहीं हुआ था, लेकिन उससे बदतर हालत थी मेरी। जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे वो मुझे जानते हैं, वो मुझे करीब से देखे हैं कि मेरी क्या हालत थी। इस सिचुएशन में मेरा फिजिकल करना क्या सही रहता, आप ही लोग बताओ। अगर सही रहता तो बताओ। मैं जब बिहार पुलिस का फिजिकल कर रही थी तो उस टाइम भी मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, सच्ची में मेरी उतनी अच्छी हालत नहीं थी, तो भी मैंने किया। तो यही मैं बोलूँगी कि मेरा पीटी और मैन दोनों हुआ और मैं फिजिकल के लिए तैयारी नहीं कर पाई। मैं जब ट्रेनिंग में थी तब मेरा फिजिकल हुआ था, सॉरी पीटी हुआ था, मैन में मैं छट गई थी तो मैं फिजिकल नहीं कर पाई। मेरा आप देखोगे ना अभी भी स्टोन निकला है, तो स्टोन नॉर्मल बात है, क्लॉट जम गया था तो उसकी वजह से बहुत ही ब्लडिंग होती थी बहुत ज़्यादा। तो सबको लग रहा है ना कि मैं फिजिकल क्यों नहीं कर रही, मैंने हिम्मत भी किया, लेकिन जो मेरे फ्रेंड है जो मेरे अपना है वो बोले नहीं पहले जान बचा लो जान, उसके बाद तुम फिजिकल करते रहना, ये भी नौकरी बहुत है।